एंड 0.144 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन का मास दे दिया 0.144 तो आपका 0.24 ग्राम्स का सैंपल है जिसमें से बोरोन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.096 ग्राम्स और ऑक्सीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 0.144 ग्राम्स आप इन दोनों नंबर्स को ऐड भी कर सकते हैं 0.096 और 0.144 ये ऐड होके 0.24 ग्राम्स बनेगा हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है कैलकुलेट दी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कैसे निकालते हैं कोई भी कंपाउंड होता है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स। और उस कंपाउंड के अंदर बाय मास कौन से एलिमेंट का कितना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है यह हमें इस प्रॉब्लम में बताना है तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन गिवन सैंपल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द गिवन सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100 तो so, हम क्या करेंगे कंपाउंड का कोई भी एक सैंपल ले लेंगे और उसी सैंपल में रिक्वायर्ड एलिमेंट का कितना मास है ये निकालेंगे तो so, एलिमेंट के मास को टोटल कंपाउंड के मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम उस एलिमेंट का मास परसेंट निकाल सकते हैं तो ये एक इलस्ट्रेशन से मैं आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी सॉल्व करना है हम परसेंटेज ऑफ बोरोन निकाल लेते हैं तो मास ऑफ सैंपल बोरोना है कितना है जीरो पॉइंट टू फोर ग्राम होल मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो ये काफी सिंपल कैलकुलेशन है आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं आंसर विल बी तो बोरोन कितना परसेंटेज है आपके कंपाउंड के अंदर फोर्टी परसेंट सिमिलरली ऑक्सीजन भी है आपके कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की मास परसेंटेज निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का मास दिया हुआ grams है जीरो पॉइंट वन फोर फोर ग्राम्स और टोटल कंपाउंड का सैंपल है जीरो पॉइंट टू फोर ग्राम्स तो ऑक्सीजन के मास को मैंने टोटल कंपाउंड के मास से डिवाइड कर दिया है और इस नंबर को मैं हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हम देखेंगे कि दी आंसर है सिक्सटी परसेंट तो जो गिवन कंपाउंड था उसके अंदर बोरोन वाज 40% परसेंट बाय मास एंड ऑक्सीजन वाज 60 परसेंटेज बाय मास सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक अवर फेसबुक पेज फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग